चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश यादव ने रहुआ के भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और हर कोई निरहुआ को हार्दिक बधाई देते हुए नजर आ रहा है। इसी कड़ी में निरहुआ के साथ काफी फिल्मों में नजर आ चुकी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने भी एक ताजा बयान दिया है। जी आपको बता दें कि भोजपुरी की नंबर वन जोड़ी में से निरहुआ और आम्रपाली दुबे का ही नाम आता है और आम्रपाली दुबे ने अपने को स्टार निरहुआ को लेकर एक नया बयान दिया। उन्होंने कहा है कि वो निरहुआ को जिताने के लिए हर कोशिश करते हुए नजर आएंगे, यानी कि आम्रपाली दुबे निरहुआ के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। जी आपको बता दें कि इसका खुलासा खुद आम्रपाली दुबे ने एक बयान में किया है। आपको बता दें कि निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनके विरोधी पार्टी हैं समाजवाद पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ आम्रपाली दुबे जमकर प्रमोट बीजेपी को प्रमोट करने वाले हैं, यानी कि आम्रपाली दुबे सीधा सीधी निरहुआ को प्रमोट करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी कि निरहुआ को जिताने के लिए पूरी तरह से कोशिश करते हुए नजर आने वाले हैं। अब देखना यह है कि आम्रपाली दुबे के प्रमोशन से निरहुआ को कितना फायदा होगा, यह तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन इतना तो कन्फर्म हो चुका है कि जो जोड़ी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन आती थी, क्या वही जोड़ी निरहुआ को प्रमोट करने में सफलता हासिल कर पाएगी, यह तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगी।